यस, आखिरकार कंप्लीट हो ही गया। वाह यार, कितना मस्त दिख रहा है। वेलकम बैक गाइस, मेरे चैनल अभिषेक बीजनिया आर्ट्स पर आपका बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। कैसे आप लोग? वैसे तो लॉकडाउन का मज़ा ही उठा रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ ये वाली वीडियो। ये है यूट्यूब का प्ले बटन, जो कि इसे पिछली बार हमने अनबॉक्स किया था। इस बार आप देखोगे कैसे मैं इस प्ले बटन को, सबसे छोटे प्ले बटन को, एक चौक की मदद से बनाने वाला हूँ। तो क्या आप लोग इसकी मेकिंग देखने ही तैयार हैं? चलो आ जाओ। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपना चौक ले लिया है, तो अब इसी चौक पे हम अपना यूट्यूब का प्ले बटन बनाने वाले हैं। हट जा। देखा मेरा स्टाइल, कैसे मैं अपने कटर का ढक्कन निकालता हूँ? आप लोग भी एक बार ट्राई करना, मज़ा आता है एकदम ऐसे अंगूठे से ठिचक करके। ओके, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग को ये सही तरीके से नज़र आ जाए कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। सेंटर में भी ले लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, ऑल सेट। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे को कितना लेंथ में इसको चाहिए, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा, ये इसकी लेंथ और ब्रेड्थ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन दोनों में। ओके, तो अब इतना चाहिए। तो अब मैं इसका ऊपर वाला पार्ट कट कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को एक प्लेन सरफेस यहाँ पे मिल जाए। प्लेन सरफेस से आप समझ रहे हैं ना, जो कि जहाँ पे हमारा यूट्यूब का वो सिंबल बना हुआ होता है, और जहाँ पे लिखा रहता है कि आपके 100 सब्सक्राइबर, ओ सॉरी 100 नहीं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, ये सब। ओके, अब मैं ऐसा ही काम नीचे वाले साइड पे भी कर देता हूँ, जिससे कि हमें एक और इसका फेस मिल जाए। ओके, तो देखते हैं कैसे कर रहा हूँ मैं। ओके, तो दोस्तों इसे थोड़ा आराम से करना पड़ता है। अब मैं इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ दोस्तों, ताकि ये जो बहुत ज़्यादा ही मोटा नज़र आ रहा है, इतना मोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पतला होना चाहिए, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि ये साइज़ इसका छोटा है, तो इसका हाइट भी छोटी होनी चाहिए। तो मैंने इसको छोटा कर दिया है। ओके, तो वाओ कितना मस्त लग रहा है ये। अब मैं थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग दे देता हूँ, स्मूथ कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था ना, मैं कर रहा था जब काम, तो इसलिए मैं अब इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ। ओके, इसकी साइड में से भी एकदम एजेस भी सही कर देते हैं। ओके दोस्तों, पीछे वाली साइड से भी स्मूथ करना पड़ेगा क्या? तो यार दोनों साइड से ही करना पड़ेगा ना। चलो अब इसको काट देते हैं यहाँ से। अरे कट जा भाई, कितना टाइम लगा, ओह कहाँ जाके गिरा है। ओके, तो ये रहा हमारा प्ले बटन, साइड में कर देते हैं। ये थोड़ा कचरा हटा देते हैं, ये चौक का कचरा। चौक के साथ काम करने का यही बुरा ही भाग क्या है, ये चौक के साथ काम करने में यही बुरी बात होती है कि इसका कचरा बहुत फैलता है। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा जूम और करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया। फोकस भी कर देते हैं, ऑल डन। ओके दोस्तों, अब मैं इसका साइड वाला पोर्शन कट कर देता हूँ, जो कि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग कम थी। ओके, देख रहे हैं ना कैसे इसकी हाइट और एजेस के में कैसे शार्पनेस आ रही है, वाओ दोस्तों। ओके, तो अब मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ मैं कैसे इसको प्लेन कर रहा हूँ। देखा आप लोगों ने, मैं इसको अपने घिसने वाले औजार से इसको प्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि इसके जो एजेस हैं वो एकदम स्मूथ और एकदम शार्प नज़र आए। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये? देखिए ऊपर वाली वीडियो में आप लोगों को सही ढंग से नज़र आ पा रहा होगा कि मैं कैसे इसको घिस रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही मैं इसको शार्प करूँगा इसकी चारों साइड को, जिससे कि हमें इसकी चारों साइड से एकदम मज़ेदार मिल जाए। मज़ेदार? अरे मज़ेदार नहीं, मतलब एकदम शार्प मिल जाए और एकदम प्लेन सरफेस हो उधर। क्योंकि कटर से कभी कभार क्या होता है कि हम लोग उसको कट करते हैं तो वो ऊपर नीचे कट हो जाता है, तो इसलिए मैं अपना ये औजार यूज़ कर लेता हूँ, जिससे कि मैं इसको एकदम प्लेन सरफेस दे पाऊँ। ओके, तो बढ़िया ही काम चल रहा है, लग रहा है कि ये प्लेन हो चुका है दोस्तों। हाँ, इसकी चारों साइड सब प्लेन हो चुकी है, एकदम मस्त सा लग रहा है ना दोस्तों। ओके, तो अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं।
यानी कि अब हम इसके ऊपर YouTube की ब्रांडिंग और फिर हमारा जो भी आगे की डिटेल्स होती है वो सब इसमें लिखने वाले हैं। थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, इस पर काम करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने अपनी एक निडल ले ली है, अब उसी निडल से मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके YouTube की ब्रांडिंग बना देता हूँ। जो YouTube का लोगो होता है ना, उसी को मतलब YouTube की ब्रांडिंग भी बोलते हैं दोस्तों, उसी से ही तो पता चलता है कि ये YouTube है। तो ओके, एकदम मस्त बन गया है। अब इसका सेंटर का मैं प्ले बटन वाला वो बना देता हूँ। अब इस छोटे औजार से इसको घिस देते हैं। ओके, तो अभी इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके मैं काम करता हूँ ताकि आप लोग को सही ढंग से नज़र आए और मैं भी इसको सही ढंग से पकड़ सकूँ दोस्तों। ओके, तो अब मैंने अपनी दूसरी नीडल ले ली है जिससे मैं इसको और भी एकदम फिनिश टच दे रहा हूँ, जिससे कि ये सही ढंग से नज़र आए कि ये है क्या, क्योंकि अभी इसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये बनाया क्या है मैंने। ओके, तो धीरे धीरे इसकी मैंने इसके लेंथ और ब्रेड्थ पर काम कर लिया है। थोड़ा सा ये कर्व होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो यूट्यूब का जो लोगो होता है वो एकदम ही रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होता है, वो थोड़ा सा साइड में से उसकी जो वर्टाइसेस होती है वो कर्वी वर्टाइसेस होती है। ओके, तो मैंने इसको बना दिया है। वाह, कितना मस्त लग रहा है। ओके, अब इसकी थोड़ी सी जो कॉर्नर्स हैं उसको भी हम थोड़ा सा कर्व शेप दे देते हैं, क्योंकि जो इसका कॉर्नर है वो इतना शार्प नहीं होता है, थोड़े से कर्व टाइप होते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। ओके, बढ़िया लग रहा है एकदम, है ना। हाँ, तो और जूम करके अब मैं इसके ऊपर हम लिख देता हूँ 100 सब्सक्राइबर। 100 सब्सक्राइबर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ, अपना नाम ही लिख देता हूँ इसमें, अभिषेक 100 अभिषेक। सॉरी दोस्तों, लेकिन 100 उसके लिए सब्सक्राइबर्स के लिए और किसके हुए हैं, अभिषेक शर्मा के, तो उसका अभिषेक इसलिए। ओके, तो वाओ, अब मैं इसको थोड़ा सा एकदम मस्त फिनिश टच दे देता हूँ। मस्त लग रहा है यार दोस्तों, YouTube का प्ले बटन तो बन गया हमारा, YouTube का प्ले बटन। वाह, क्या बात है, सभी औजारों के बीच में ये छुटकू सा प्ले बटन कितना मस्त लग रहा है दोस्तों। वैसे तो यार एकदम प्यारा लग रहा है ना दोस्तों, मुझे तो एकदम मस्त लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि आप लोग आजकल कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करिएगा, मेरे को उससे पता चलता है कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने आज से पहले ऐसा प्ले बटन देखा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।